है, क्वेश्चन देखना। उदाहरण नंबर 3, एक हिंदू अविभाजित परिवार उस जिसके सदस्य की आय कर योग्य है को वित्त वर्ष 21-22 में निम्नलिखित कर योग्य आय प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, वित्तीय वर्ष इधर देखना, वित्तीय वर्ष मतलब जो चल रहा है। ठीक है, अभी एक साल कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, इस साल अभी 2021-22 कंप्लीट हुआ नहीं है, है ना। मकान संपत्ति से आए तो अनुमान है ये कितना कितना कमा सकता है साल भर में, है ना। 70,000 मकान संपत्ति से आए, व्यवसाय से लाभ 6,02,500, बैंक में स्थायी जमा फिक्स डिपॉजिट है ना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे परिवार का एक सदस्य निःशक्त है, ठीक है, उसके इलाज के लिए ट्रेनिंग के लिए 12,000 रुपये खर्चा किए हैं, उसके रख रखाव के लिए जीवन बीमा निगम के लिए अनुमोदित योजना में 35,000 जमा कराए हैं। ठीक है, अगर परिवार का सदस्य कोई निःशक्त है उसके लिए खर्चे पे हम लोग उसके लिए खर्चा करते हैं तो 75,000 का छूट मिलता है। कितना भी खर्चा करो कितना छूट मिलेगा, 75,000। उसमें 12,000 खर्चा किया, छूट मिलेगा 75,000। और एकदम सेवियर डिजीज है मतलब बहुत ज़्यादा अति ज़्यादा निःशक्त है तो 1,50,000 तक का छूट मिलता है। या कुछ नहीं बोला, सिर्फ निःशक्त बोला तो 75,000 का मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000 रुपये, ये बिजनेस इनकम 6,02,500, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब उसमें है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 10,000, टोटल क्योंकि 6,82,500, 682,500। इसमें हम लिखे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, कौन सा, यही वाला, उसकी जो निःशक्त मतलब समर्थ नहीं है काम वाम करने में चलने फिरने में जो भी है, उसकी ट्रेनिंग में 12,000 खर्चे किए थे, उसके LIC के लिए 35,000 खर्चा कर रहे थे आप। ठीक है, उसके लिए आपको सेक्शन में छूट मिल गया 80D का मिल गया 75,000। आपने 12 और 35 47,000 खर्चा किया लेकिन आपको मिला 35,000 75,000 मिल गया, टोटल इनकम का 6,07,500 रुपये। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 6,000 कितना है हमारा, 6,07,500 रुपये आया है ना। अब इसका हम लोग टैक्स निकालते हैं। ठीक है, तो हिंदू अविभाजित परिवार है, परिवार का उम्र तो दिया नहीं रहता तो उसके लिए क्या लगेगा, 2,50,000, 2,50,000 और 5,00,000 वाला रूल है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखना, टैक्स ऑन ₹607,500। 6,07,500 रुपये पे टैक्स निकालना है तो पहले 2,50,000 रुपये पे नील, उसके बाद के 2,50,000 पे 5%, उसके बाद बचा कितना, 6,07,500 में 2,50,000, 2,50,000, 5,00,000 रुपये चला गया, बचा कितना 1,07,500, उस पर 20% लगाया तो 21,500, टोटल कितना हो गया 34,000 रुपये। फिर इसमें हम लोग सरचार्ज नील करके लिखते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ते हैं। ठीक है, जिसमें एजुकेशन तीनों चार जो भी है दोनों मिला के 4% ऐड किया तो 35,360 रुपये आया। उसके बाद TDS आपका कहीं कटा नहीं था, कहीं पर TDS वगैरह दिया था क्वेश्चन में, नहीं दिया था, आपका इतना आ गया 35,360 रुपये टैक्स आ गया। अभी 35,360 रुपये को हम लोग 15%, 45%, 75% और 100% कर लिखते हैं, या फिर अगर 45 में से 15 माइनस करो तो 30, 75 में से 45 माइनस करो तो 30 और 100 में से 75 माइनस करो तो 25 करके 4 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। इस 35,360 रुपये का 4 पार्ट में निकाल दिए तो इतना आ गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर JP एस्टिमेट जिसको इनकम दिया हुआ, एस्टिमेट इनकम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस 6,84,500 रुपीज, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म नॉट फ्रॉम सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म नॉट फ्रॉम सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज वाले नहीं है। ठीक है, 13,000 रुपये लेकिन शॉर्ट टर्म है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 26,000, तो 7,23,000 रुपये। अच्छा, सारा चीज निकाल के क्वेश्चन में ही दे दिया है, फिर आपको ATC का और ATD का छूट मिला है, 7,20,000 आपकी इनकम है। अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होता, पूंजी लाभ अगर दीर्घकालीन होता, लॉन्ग टर्म होता, तो लॉन्ग टर्म वाले इनकम का अलग से निकालते 20%। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़े थे, एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 में जो भी है, 2 में पढ़े थे। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोग देखे थे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल इनकम जैसे उसको कैलकुलेट करते 7,20,000 है, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम 7,20,000, वही 2,50,000 पे पहले नील, उसके बाद के 2,50,000 पे 5%, उसके बाद कितना बचा, 7,20,000 5,00,000 चला गया, बचा कितना 2,20,000, उस पर कितना 20%, तो 44,000 टोटल 56,500 ये आ गया। ठीक है, सरचार्ज जुड़े थे इतना, फिर उसके 4% ये जोड़ दिए, TDS कहीं कटा था क्या क्वेश्चन में दिया, TDS
ये लिखा है अन्य साधनों से आय में कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज सम्मिलित है, जिस पर 1760 रुपये जो है उद्गम स्थान पर काटा गया है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इंक्लूड है ना, ये कटा हुआ है ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिखा हुआ है, TDS कटा हुआ तो माइनस कर दिए तो 57,000 आया, फिर 57,000 का 15%, 30%, 30%, 25% निकाल दिए, आ गया ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट।